हेलो खमा गणिसा, वेलकम आर टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज है हमारे चौथ का व्रत, तो हम कथा वगैरह सुनेंगे। तो तीज तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इस साइड शेखावाटी साइड कोई तीज नहीं करता। मैंने एक बार की थी, फिर मेरे को जमुना करके आना पड़ा, इसीलिए यहाँ पर कोई तीज नहीं करता। तो आज मैंने चौथ का व्रत कर रखा है और अब मैं कथा सुनूँगी। तो कैसी लगी मेरी ड्रेस आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इसका फुल लुक मैं अभी दिखाऊंगी, फिर बुल्ली वाइस आ जाएंगे तब मैं पूरा लुक दिखाऊंगी आपको। और आधे आधे लोग बोल रहे आज तीज का व्रत है, आधे लोग बोल रहे हैं चौथ का व्रत है, और आधे ने कल तीज का व्रत कर लिया था। तो हमने सब ने कल आधे ने तीज का व्रत कल कर लिया, तो आज हम तीज का व्रत कर रहे हैं। और मम्मी कर रहे हैं पूजा, ना के आए तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मम्मी कर रहे हैं पूजा और हम यहाँ पे सुनेंगे कथा। तो मैं कर लेती हूँ तैयारी कथा की पहले, उसके बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, तो हमारे चौथ माता की पूजा की तैयारी हो गई है और अब हम करेंगे कथा। किताब लिए इनमें एक छोटा छोरा अपने घर से खेलने गया, रास्ते में गणेश जी मिले। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा, ये तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो अपना नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में घर आए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विंध्यायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विंध्यायक हूँ, मैं तो नहीं मानू तू विंध्यायक हो, कुछ भी मांग ले, मैं क्या मांगू, तू मांगे जो ही मांग ले, पर एक बार ही मांग ले। पलंग निवार को पोछो, गजराज को दाल बांध गवा के फलके, ऊपर मुट्ठी खांड की परसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विंध्यायक जी बोले, छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर पर आया, देखा तो एक छोटी सी बीड़नी पलंग पर बैठी है और घर में धन हो गया। लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ, विंध्यायक जी ने कितना दिया। माँ खूब खुश हुई, विंध्यायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, कहने वाले सुनने वाले को अपने सारे परिवार को धन दिया। चालू है ना, चालू रखना, पकड़ के रखा। आ जा, हम जा रहे हैं बना रहे। हाय सिया डार्लिंग, वाओ बारिश तो बहुत बढ़िया है ना, वाओ वंडरफुल। और कबूतर आवे, देखो कितने तेज उड़ती है। मैंने ये नहीं दिया था, लो मैं चूचू को नहीं देगा, अब तक आप भी सारा सारा वो आम उगा देती। नहीं, वो काजू भी उगा दिया। टाइम पर
सरकार बनाई सन फ्री कर ये लो जा रहे हैं सब लोग पैसे देने मेरे साथी सब जा रहे हैं अपना पांच सरकार बन रहा है हमारा हां जो पांच सरकार बन रहा है खुद को खुद ही बना ले सही है वो मिला कौन तो कई काम पड़े हैं ये होगा कर दो दो हजार तो कर दे ये लो चलो लोग देते हैं उसकी ये सब लोग जा रहे हैं तो दे हेलो गाइस, तो हमने ना कथा तो सुन ली है और अब मैं बना रही हूँ चाय। पहले चाय बनाते हैं फिर थोड़े वीडियो शूट करेंगे। वीडियो शूट करेंगे हमारे ब्लू भाई साहब। दो तीन वीडियो शूट कर ला आर खालू बुट गो तगड़ो हेलो गाइस, तो हमने कथा वगैरह तो कर ली और आपको बारिश वो दिख बादल दिखा रही हूँ कितने भयंकर वाले आए हैं। बारिश का क्या पता। और ये हमारा तिरंगा लहरा रहा और वाह देख कितनी जा शानदार बन रहा है तू वीडियो ना बोलिए शानदार बन रहे ना तिरंगा देखो कितना कौन नहीं हवा चल गई ना या तो आवली या कोना वाली सब जगह बाहर हरियाली हरियाली है। हेलो, तो कथा वगैरह तो हमने कर ली थी और अब चाय पियेंगे। चाय मैंने बना दी थी फिर मैंने रील शूट करने लगी और देखो मेरे पीछे भैंस मेरे को देख रही है। हाय, भैंस नहीं है मेरी पाडी है तो वो मेरे को देख रही है। और मौसम इतना बिगड़ रहा है मतलब बहुत गर्जना कर रहा है, लगता है गर्जना कर रहा है। वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वही बात हो रही है। तो लगता नहीं है बारिश आएगी लेकिन गरज रात बहुत तेज और एकदम सी उमस सी हो रही है। तो मेरे कपड़े तो वैसे सूख गए हैं, वॉशिंग में धोए थे मैंने तो जल्दी सूख गए थे। और ये ड्रेस मेरी कैसी दिखी कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। आ गए हैं ये स्कूल से, मिनी का वेट कर रही थी। और न्यू न्यू शर्ट आ गए।
नीली शर्ट आओ इस बार इस बार थोड़ा अलग है बेटा सेम है थोड़ा इससे अलग है कलर अलग ये खराब हो गया ना मैं तो कुछ वेट कर रही थी मैं चेंज करवाऊं जी। हेलो तो शाम हो चुकी है खाना मैंने बना लिया है मैंने दाल बनाई है मम्मी के लिए खिचड़ी बनाई है क्योंकि उनको जुकाम हो रखा है और रोटी मैंने आटा लगा के रख लिया जो भी खाएगा उस हिसाब से बनाऊंगी क्योंकि सुबह वाली रोटियाँ सारी पड़ी तो बच्चे तो काफ़ी सारी तरफ गए हैं खेलने के लिए और चांद का तो अब आज अता पता ही नहीं है क्योंकि लगता नहीं और निकलेगा क्योंकि मतलब बारिश भी आ गई थी बादल मस्त वाले बादल आ रहे थे कोई गारंटी नहीं कि चांद निकले तो मैं अभी मम्मी को डाल दूँ खाना और फिर करते हैं चांद का वेट देखते कब तक आएगा। मस्त वाली खिचड़ी बन गई है देख सकते हो आप और इधर बना दी मैंने दाल यम्मी यम्मी सी और आटा लगाया हुआ पड़ा है दूध वगैरह मैंने गर्म कर लिया है और मम्मी को खाना डालूंगी और ये देखो हमारी सुबह की रोटियां सारी पड़ी है टिफ़न भरा हुआ पड़ा अब तो देखो क्या बोलते हैं अगर खिचड़ी खा लेंगे तो अच्छी बात है वरना रोटी बनाएंगे तो और काम तो मेरा हो गया है बच्चों को खाना खिलाना है इनको डालते हैं मस्त वाली बन गई खिचड़ी। गाइस तो चांद निकल आया है देख सकते हो आप वापस अंदर घुस रहा है हेलो गाइस तो चांद तो हम देख के आ गए हैं और अब मैं खाऊंगी खाना उससे पहले खाना खा सकते हैं मैं चांद आई थी तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब करना थैंक यू बाय बाय एंड गुड नाइट।